सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। कल आईपीएल 2018 का 21वां मैच राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। कल का ये मैच बहुत ही शानदार रहा। दोनों ही टीम्स ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। कल का मैच इतना शानदार रहा कि मैच के अंतिम ओवर्स तक भी लोग ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि ये मैच राजस्थान जीतेगा या फिर मुंबई इंडियंस। तो चलिए आपको बताते हैं कल के मैच के अंतिम ओवर्स की उन 10 गेंदों के बारे में जिन पर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि कल का मैच आखिर जीतेगा कौन। 18वें ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 6 विकेट पर 140 रन हो गया था। उन्हें जीत के लिए अगली 12 गेंदों पर सिर्फ 28 रनों की दरकार थी। तो विरोधी टीम ने राजस्थान रॉयल्स की इस राह को और मुश्किल बनाने के लिए 19वां ओवर फेंकने के लिए जसप्रीत बुमराह को भेजा। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे जोफ्रा आर्चर ने जसप्रीत बुमराह के ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़कर जीत की उम्मीद को बनाए रखा। बुमराह की अगली गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने 2 रन हासिल किए, लेकिन अगली बॉल नो बॉल रही और राजस्थान रॉयल्स को इस वजह से 1 रन मिला। इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी बॉल दोबारा फेंकी गई। इस बॉल पर राजस्थान रॉयल्स को 2 रन मिले। अगली गेंद पर राजस्थान की तरफ से खेल रहे गौतम ने एक शानदार चौका लगाया। अगली बॉल पर राजस्थान को कोई रन नहीं मिला। इसके बाद इस ओवर की आखिरी बॉल पर गौतम ने एक शानदार चौका लगाया। 19वें ओवर की आखिरी बॉल पर जब गौतम ने चौका लगाया तब ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि ये मैच राजस्थान रॉयल्स आसानी से जीत लेगा, लेकिन तभी राजस्थान रॉयल्स को एक झटका लगा क्योंकि अगले ओवर की पहली ही बॉल पर हार्दिक पांड्या ने जोफ्रा आर्चर को कैच आउट कर दिया और इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स का एक और विकेट गिर गया। अगले ओवर की दूसरी गेंद पर गौतम ने एक और चौका लगाया। अगली गेंद पर राजस्थान रॉयल्स को कोई रन नहीं मिला। गौतम ने अगली ही गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया। गौतम ने ये छक्का लगाकर राजस्थान रॉयल्स को 3 विकेट से जीत दिला दी, जबकि उसे 3 गेंदों में सिर्फ 6 रन चाहिए थे। राजस्थान रॉयल्स ने 20वें ओवर की चौथी गेंद तक 7 विकेट पर 168 रन बनाए। ये बेहद रोमांचक मुकाबला रहा और इस रोमांचक मुकाबले के हीरो के गौतम रहे। उन्होंने 11 गेंदों पर नाबाद 33 रन बनाए। उनकी पारी में 4 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। दूसरे नाबाद बल्लेबाज थे जयदेव उनादकट, लेकिन वो खाता भी नहीं खोल पाए और इस तरह राजस्थान रॉयल्स ने कल का मैच ओवर की आखिरी 2 बॉल शेष रहते हुए ही इस मैच को 3 विकेट से जीत लिया। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2018 की टीम्स और उनसे जुड़ी हर ताज़ा और मज़ेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको आईपीएल 2018 से जुड़ी हर ताज़ा और मज़ेदार खबर सबसे पहले यहीं मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।